नमस्कार दोस्तों, विचार विश्वास विजय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और गौर फरमाइएगा, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को बनाना है और आंसर निकालना है। इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ आज कौन। दोस्तों आज बात करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट ऑफ कौन की बात करेंगे। और कौन को हिंदी में बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। ये फिगर आपको दे रखा है, ये रिप्रेजेंट करती हैं आपकी कौन की, रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर रखा हूँ मैंने एल, एच और आर। दोस्तों बात करेंगे एल की, बात करेंगे ये जो साइड वाली आपको तिरछी, ये तिरछा जो आपकी लाइन है, इसके नाम एल से होती है लेटरल हाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और इसका सेकेंड नाम भी आपका है स्लांट हाइट। क्या आपका है? लेटरल हाइट बोलिए चाहे आप स्लांट हाइट बोलिए, बोथ आर इक्वल, दोनों समान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आज ये बात करेंगे एच और एच से क्या होती है आपकी हाइट, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। और आर से होती है रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। दोस्तों मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर रखा था मैंने कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो उसका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, नंबर वन में बात करते हैं। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, 90 के सामने वाले क्या होती है आपकी एच, हाइपोटेन्यूज, हिंदी में क्या बोलती है? कर्ण। और कर्ण का जो स्केयर होती है वो परपेंडिकुलर यानी पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर के बराबर होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एल का जो स्केयर हो जाएगा ये हो जाएगा पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ के पी के बदले में क्या आपकी है? एच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एच का स्केयर। क्या हो जाएंगे? एच का स्केयर। और बी क्या हो जाएंगे आपका? आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपकी? आर का स्केयर। तो मैंने यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन मैंने क्या सीखा मैंने कि एल का जो स्केयर हो जाएगा वो हाइट का स्केयर प्लस रेडियस के स्केयर स्केयर के सम के बराबर होती है। आपका क्वेश्चन में दे रखे दिया हुआ रहे, आपका एच दिया हुआ रहे और आर दिया हुआ रहे, तो अब आसानी से आप एल को फाइंड कर सकते हैं। आइए सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम की, बात करते हैं। दोस्तों वॉल्यूम क्यों होगा? क्योंकि कौन जो आते हैं वो 3D शेप में आते हैं, और 3D जो शेप में आती हैं उसकी वॉल्यूम होती है, उसकी आयतन होती है, न कि उसकी एरिया होती है। ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं मेंशन सिलेंडर में मैं कर रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बात करेंगे वॉल्यूम की, बात करेंगे किसकी वॉल्यूम, तो कौन की वॉल्यूम की बात करेंगे। और हमेशा दुनिया में किसी का वॉल्यूम भी निकालेंगे तो वही होगा बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। क्या हो जाएंगे? बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन दोस्तों इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सिलेंडर और क्यूबॉइड में क्या हो जाती है कि बेस से लेकर के और टॉप तक दोनों सेम होती हैं, लेकिन कोण में ऐसा नहीं होती है। देखिए बेस इसकी कैसा है इसकी, और टॉप इसकी कैसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे इसका वॉल्यूम होगा 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे आपकी हाइट यानी ऊंचाई। दोस्तों यहाँ पे 1/3 मैंने क्यों लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे सुनिएगा, देखिए सबकी जो बैकग्राउंड होती है वो मैथमेटिक्स नहीं होती है इंटरमीडिएट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में एक चैप्टर होती है इंटीग्रेशन का होती है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ आप ये समझिए कि 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1/3 होगा और बेस एरिया, बेस कैसा है? तो बेस आपका सर्कल की तरह है, और सर्कल की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करना है हाइट से, तो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी को सब रटते हैं कि जो कोण का जो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। हमने आसानी से कॉन्सेप्ट की सहायता से हमने समझा। अब तीसरी कंक्लूजन की बात करेंगे, आपकी CSA की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA क्या होती है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होती है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होती है? कर्व सरफेस एरिया, और हिंदी में बोलते हैं वक्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसकी बात करेंगे CSA क्या होती है। दोस्तों CSA क्या होती है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना आपका 1/2 इंटू बेस ऑफ पेरीमीटर, बेस ऑफ पेरीमीटर, बेस ऑफ पेरीमीटर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे आपकी? लेटरल हाइट। क्या हो जाएंगी? लेटरल हाइट, बेस ऑफ पेरीमीटर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे? लेटरल हाइट हो जाएंगी। और बेस ऑफ पेरीमीटर, बेस कैसा? आपका सर्कल की तरह है, और सर्कल की पेरीमीटर सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2πr, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 से 2 क्या होगा? जय हिंद। यहाँ पे क्या बचा? πrl।
तो यहाँ से आपने सीखा, यहाँ से सी एस ए कर्व सरफेस एरिया जो होती है क्या होती है पाए आर एल, इसी को सब रटते हैं, क्या होती है पाएल कैसे होती देख लीजिए, 1/2 इंटू बेस ऑफ पेरीमीटर और मल्टीप्लाई क्या होती है लेटरल हाइट। यहाँ से मैंने सीखा कि कर्व सरफेस एरिया होती है पाए आर एल। अब बात करेंगे टी एस ए की, बात कर लेते हैं यहीं पर, मैं टी एस ए की बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप में। दोस्तों टी एस ए क्या होती है, टी एस ए क्या होती है, टी एस ए का फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हिंदी बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने मेंशन कर रखा था मैंने सिलेंडर में पिछले वाले वीडियो में, संपूर्ण में क्या आ जाएंगे, सी एस ए तो ऑलरेडी आ जाएंगे, तो सी एस ए क्या हो जाएंगे आपकी पाए आर एल सी एस ए होगा। इसमें कंक्लूड क्या करना है आपकी बेस एरिया, क्या करना आपका बेस एरिया, और बेस कैसा है आपका सर्कल की तरह, तो ये हो जाएंगे आपकी पाए आर स्क्वायर। यहाँ से मैंने सीखा कि टी एस ए जो होती है पाए आर एल प्लस पाए आर स्क्वायर क्या होती है, पाए आर एल प्लस में पाए स्क्वायर। थोड़ा स्पेस की कमी है, थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ, इसमें कुछ कॉमन भी आ जाएंगे, इसमें पाए और आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचा एल प्लस आर। देखिए हम आसानी से यहाँ से मैंने बात कर लिया, मैंने आसानी से मैंने सीखा कि एल का जो स्क्वायर होगा ये एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के बराबर होगा। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या सीखा इसकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होती है 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, 1/3 और बेस कैसा आपका सर्कल की तरह, इसके एरिया क्या हो जाएंगे पाए आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना आपको एच से तो 1/3 पाए आर स्क्वायर एच होगा। तीसरी स्टेप में बात करेंगे इसके सी एस ए की, सी एस ए होती है कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसे आसानी से लिखेंगे 1/2 इंटू बेस ऑफ पेरीमीटर और बेस का ऐसा आपके सर्कल की तरह, तो इसे क्या हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई करना आपको लेटरल हाइट से, और 2 और 2 क्या हो जाएगा जय हिंद, बच गया आपकी पाए आर एल, क्या निकला यहाँ से सी एस ए। और दोस्तों टी एस ए में क्या होती है, सी एस ए तो ऑलरेडी इसमें आएंगे, तो मैंने लिखा पाए आर लिखा, और लास्ट में क्या लिखना आपको बेस एरिया, तो मैंने पाए आर स्क्वायर को मैंने ऐड किया, यहाँ से कॉमन आ गया आपकी पाए आर, कॉमन लिया इसमें क्या बचा एल और आर। यहाँ से हम खत्म करते हैं आपकी कोण, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।